निर्भया केस में चारों दोषियों के खिलाफ एक नया चौथा डेथ वारंट जारी किया गया है 20 मार्च को सुबह करीब साढ़े पाँच बजे चारों दोषियों को फांसी देने का हुक्म सुनाया गया है क्या वाकई इस बार फांसी हो पाएगी या अभी भी इस मामले में कुछ कानूनी पेच है इसी को लेकर बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरगोविंद थानवी से थन जी एक हाई प्रोफाइल केस की तरह इस देश में इस केस को देखा जा रहा है आपको लगता है कि तीन बार पहले डेथ वारंट कैंसिल हुए चौथी बार जो इश्यू किया गया उस पर काम हो पाएगा मुझे लगता है इस बार किया जाएगा क्योंकि इनकी जो सारी रेमेडीज थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है मसलन सजा होने के बाद इन लोगों के पास रेमेडी थी हाई कोर्ट में अपील करने की जो अपील इनकी निरस्त हो गई उस अपील के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका करी वो निरस्त हो गई रिव्यू करी वो निरस्त हो गई उसके बाद क्यूरेटिव करी वो निरस्त हो गई अब अब जो इनके पास जो ऑप्शन बचे थे वो थे दया याचिकाओं के वो भी अब सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं जो भी लेटेस्ट जो राष्ट्रपति जी ने इनकी दया याचिका का नाम मंजूर करी है वो भी एग्जॉस्ट हो गया तो इसलिए कल ट्रायल कोर्ट ने जो डेथ वॉरेंट नया इशू किया है मेरे हिसाब से वो फाइनल होगा लेकिन ए पी सिंह कहते हैं कि उन्होंने 25 फरवरी को तिहाड़ जेल को एक अक्षय की याचिका भेजी थी दया याचिका उस पर कोई जवाब नहीं आया जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाया और अभी वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया है तो ऐसे में चांस मिलना चाहिए इनको ऐसा है सर कि इसमें आर्टिकल 72 प्रोवाइड करता है मर्सी पिटीशन को आर्टिकल 72 की मर्सी पिटीशन इनकी ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ़ हो चुकी है आर्टिकल 72 में इन चारों की मर्सी पिटीशन डिस्पोज ऑफ़ होने के बाद और सारी क्यूरेटिव ख़त्म होने के बाद ट्रायल कोर्ट के पास इनको डेथ वारंट जारी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जो कि राइटली मेरे हिसाब से ज्वाइन किया गया है दूसरा अब कानूनी जो भी मापदंड है उनमें मुझे नहीं लगता है कि इनके पास कोई रेमेडी है मीडिया से बातचीत में एपी सिंह ने यह भी कहा है कि पवन की दया याचिका जैसे ही राष्ट्रपति से खारिज होती है तो तुरंत तिहाड़ जेल प्रशासन और दिल्ली सरकार कोर्ट में पहुंच जाती है तो ऐसे में जो उनके क्लाइंट है वो कहीं ना कहीं डर के साए मुझे तो नहीं लगता ये सब बातें क्योंकि इन बातों का कोई मुझे तो कोई आधार लग नहीं रहा है अब वो वकील साहब क्या कह रहे हैं वो वो जाने लेकिन जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और जो हम पढ़ रहे हैं तो जो मैंने आज पढ़ा था न्यूज़पेपर में उसमें जो कल जो लर्निड एडिशनल सेशन जज ने जो ऑर्डर किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अधिवक्ता जो हैं अभियुक्त के और सरकार के उन दोनों का कहना था कि अब कोई रेमेडी बची नहीं है तो अब उसके बाद मीडिया में आके बयान देना मुझे कहीं उचित नहीं लगा क्योंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ही कहती हैं कि एडवोकेट फॉर द एक्यूज और एडवोकेट फॉर द स्टेट द बोथ सेड दैट देर इज नथिंग रिमेन टू बी टू बी अवेल्ड ऑफ सो वेन देर इज नथिंग रिमेन तो अब फिर मीडिया में आके दे रहे हैं मुझे इसमें कोई लीगल प्रोविजन नहीं दिख रहा है चारों दोषियों की जो मेंटल स्थिति है उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के माध्यम से जांच होनी चाहिए तिहाड़ जेल इसमें भी उनको सहयोग नहीं कर रहा तो आपको लगता है कि कोई कानूनी पेच अभी बचा हुआ है इस मामले में सर कानूनी मुझे नहीं लगता कुछ बचाए और जहाँ तक मानसिक स्थिति का सवाल है तो हर जेल में, में मेडिकल सिस्टम होता है वहाँ पे एक मेडिकल डॉक्टर बैठते हैं तो वो सब जाँच करते हैं उसी के बाद ही फांसी दी जाती है तो ये सब बातें मुझे नहीं लगता है कि कोई इनका कोई असर पड़ेगा इनकी एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ वारंट पर तेईस मार्च को एक और सुनवाई भी है वो सुनवाई क्या है और उससे किस तरह से क्या आपस में इस केस का कुछ कनेक्शन है तेईस पार्च की जो सुनवाई है वो सुनवाई इस इशू पे है कि भाई क्या एक अपराध में अगर और एक से ज़्यादा अपराधी हैं और उनका डेथ वारंट हुआ है तो क्या वो अलग अलग एग्जीक्यूट होंगे कि एक साथ होंगे तो जहाँ तक मुझे आइडिया है जो मैंने पढ़ा है क्योंकि मैं उस केस के अंदर नहीं हूँ लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर ये है कि वो सरकार ने कहा है कि भाई अगर कोई लोग चार फॉर एग्जाम्पल ये मैं निर्भया लेते हैं जिसमें चार एक्यूज हैं चार में से तीन की दया याचिका खारिज हो गई एक की पेंडिंग है तो क्या तीन को हैंग किया जाए या ना किया जाए आई थिंक इस प्रश्न पे सुप्रीम कोर्ट तेईस तारीख को अपना फैसला देगा लेकिन ए पी सिंह जिस तरह से कह रहे हैं कि एक दोषी की याचिका उन्होंने जब तिहाड़ जेल में लगाई थी फिर बाद में राष्ट्रपति कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाया अभी उस पर जवाब नहीं आया है तो क्या उस एक दोषी के लिए वो इस तेईस तारीख की सुनवाई को ढाल बना सकते हैं और फिलहाल उनको फांसी से दूर रख सकते हैं अब ये तेईस तारीख की सुनवाई का जहाँ तक प्रश्न है तो अब ट्रायल कोर्ट के लेवल पे तो डेथ वॉरेंट एग्जीक्यूट हो चुका है अब जहाँ तक प्रश्न है मुझे नहीं लगता है कि इनके पास कोई लीगल ऑप्शन बचा है लीगली कहीं पे भी इनके पास कभी जाने का अब कोई फाइल कर दें कोई मुकदमा तो बात अलग है लेकिन लीगली इनके पास कोई भी रेमेडी नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि डेथ केस के अंदर आपके पास रेमेडी होती है मर्सी पिटीशन एंड क्यूरेटिव पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इज ऑलरेडी वी डिसाइडेड Security भी डिसाइड हो चुकी है मर्सी भी डिसाइड हो चुकी है तो जब सारी डिसाइड हो गई तो ट्रायल कोर्ट ने कल राइटली डेथ एग्जीक्यूशन जारी किया है अच्छा आप एक सीनियर वकील हैं और जिस तरह से इस केस को चलते हुए लगभग आठ साल बीत चुके हैं तो कैसे देखते हैं क्योंकि ए पी सिंह ने इस केस में कई बारीकियों पर काम किया है मैं तो नहीं समझता हूँ देखिए क्योंकि वो एक वकील हैं वो अपना काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं इस पर कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता हूँ लेकिन कानून अपना काम कर रहा है उन्होंने जो भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया ऑन मेरिट्स जो दया याचिका लगाई राष्ट्रपति जी ने उनको डिसाइड किया तो जो भी काम है वो अपने हिसाब से अपने तरीके से हो रहा है जहाँ तक उनके कोई दाव पेच है किसी का सवाल है तो वो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज ये उनका काम है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं हम उसमें कहने वाले कुछ नहीं होते लेकिन जो है कि अगर फांसी टाइम पे होती है और सब कुछ अगर एग्जीक्यूशन सही टाइम पे होता है तो लोगों का विश्वास और सुदृढ़ होता है आपको लगता है कि कानून में जो पेचीद थी उसी का फ़ायदा आई सिंह ने उठाया और उसके बाद तारीख पे तारीख लेते गए तीन बार डेथ वारंट भी कैंसिल हो गए तो ऐसे में अब कानून सख्त करने की भी ज़रूरत है मैं नहीं कहूँगा कि पेचीदगिया है मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कानून को उन्होंने अपनी रेमेडीज़ को वन बाय वन यूज़ किया है तो उसकी वजह से भी ये डिले हुआ है जिस प्रकार से चारों की ट्रायल एक साथ हुई थी चारों की अपील एक साथ हुई चारों की रिव्यू एक साथ हुई चारों की क्यूरेटिव अलग अलग हुई तो यहाँ पे ये मुद्दा आता है कि जब सब चीज़ें चा चारों की एक साथ हुई है तो क्यूरेटिव और दया याचिकाओं में अलग अलग, अलग डिफरेंस क्यों है तो वो दैट मे बी ए डेली टैक्टिक्स बट स्टिल वो अपराधी हैं उनके अधिकार हैं वो अपने अधिकारों को उन्होंने अवेल किया और कोर्ट ने अपना ऑर्डर किया आपको लगता है कि जो 20 मार्च की जो तारीख़ है ये लगभग फाइनल है और इस दिन दोषियों को फांसी हो जाएगी क्योंकि पीछे तीन डेथ वारंट जिस तरह से कैंसिल किए गए हैं उसके बाद सवाल भी उठ रहे हैं देखिए न्यायिक प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया पे मुझे नहीं लगता है कि उचित है हमको किसी को सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर रही है उन्होंने उन्होंने अपनी रेमेडीज़ को अवेल किया है और कोर्ट ने उस पर डिसीजन किया है अब प्रश्न नहीं आता है कि ये किस प्रकार से उसने उसको आगे लिया है इस डेट डेट्स की आगे बढ़ी है एग्जीक्यूशन तो ये तो अब एक्यूज uh, के किस तरह से उसको डील कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है लेकिन मेरा मानना है कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता थोड़ा देर हुआ है लेकिन uh, अब मुझे लगता है कि फाइनल है बीस मार्च इज नॉट गोइंग टू बी एक्सटेंडेड आई चौदह दिन का समय दिया जाता है कानूनी प्रक्रिया है क्या प्रक्रिया क्या है और ये समय जो दो हफ्ते का समय है इसके पीछे क्या वजह रहती है चौदह दिन का जो समय अभी कल जो कोर्ट ने दिया है वो चौदह दिन वैसे देखा जाए तो वो चौदह दिन से ज़्यादा ही है लेकिन ट्वेंटी मार्च कोर्ट ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है जो एग्जीक्यूशन जो करता है जो सेशन जज होते हैं उनका डिस्क्रिशन होता है कब उसको डेथ वारंट को जारी करें जो उन्होंने अपने हिसाब से जो उचित डेट लगी है बीस तारीख वो दी है मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई और स्पेसिफिक रीज़न है उनका क्या कि बीच में परिवार से कोई मिलना चाहे अपने कोई विल तैयार करना चाहे इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है ये तो इनके पास शुरू से था क्योंकि डेथ तो इनका काफ़ी टाइम से डेथ जो सेंटेंस है ये तो बहुत टाइम से है और इनकी रेमेडीज़ भी काफ़ी टाइम से एग्जॉस्ट हो चुकी है तो ये तो रेमेडीज इनके पास है जब ये जब एक्यूज अपने सिग्नेचर करके लॉयर को देते हैं या कोई भी रेमेडीज़ को अवेल करते हैं तो ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं कि वो अपने विल लिखें या अपना कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करें ये उनके राइट हैं दैट कैन बी डन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए तो इससे पहले भी बाईस जनवरी एक फरवरी और तीन मार्च को इन चारों दोषियों को फांसी का ऑर्डर दिया जा चुका है लेकिन बाद में जो ऑर्डर था वो कैंसिल हुआ और अब चूंकि एक नया ऑर्डर जारी हुआ जिसके अंदर बीस मार्च को सुबह साढ़े बजे चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया गया है अपने सहयोगी रोशन के साथ मुकेश गुप्ता दिल्ली